तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं यार एक और वीडियो में स्वागत हूँ। मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हो फोन एंड टीवी सॉल्यूशन चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस कॉमे फ़ोन का लॉक तोड़ने वाले हैं। अब क्यों तोड़ने वाले हैं, सबसे पहले तो 9:38 PM ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है, मतलब टॉक बैक ऑन हो गया इसका। 6 PM ऐसा नहीं है, मैं इसको Verify चला to नहीं draw your सकता। और pattern. लॉक जो है, मैं आपको एक बार लॉक भी Pattern बता started. देता हूँ। Cell added. Cell added. Pattern completed. ये लॉक है, ठीक Device है, up. लेकिन मेरे को लॉक बावजूद पता होने के बावजूद Screen मैं lock इसका लॉक screen. तोड़ूंगा। 9:39 PM as this pattern started. ये पावर बटन होगा, Verify fingerprint or draw your pattern. बहुत डिस्टर्ब Screen करता है यार off. ये, 9:39 PM तो इसको as a स्विच ऑफ security करेंगे। design, you can't power off your phone before unlocking it. ओके, तो इसको अनलॉक करना होगा, ठीक है, लेकिन मैं Screen off. अनलॉक नहीं करूँगा। 9:39 PM as a security मैं पावर design, बटन you कैसे can't करूँगा, power off your phone before इसको unlocking it. अनलॉक ये Verify बटन और ये fingerprint. बटन दबाए हुआ रखूंगा। सबसे पहले ऑन करके 9:39 PM Google Play Store. Now Google Play Protect is turned on. This दबाए हुआ feature रखना है, ठीक है ना, protects your device from harmful apps. Cancel. Lock screen. दबाए हुआ रखना है, छोड़ना नहीं है। हो गया बंद। तो ये मैंने बटन वापस गलती से वापस दबा दिया, तो वापस ऑन हो गया, तो मैं वापस बंद करूँगा। तो ये पावर ऑफ होने के बाद क्या करना है ना, आपको वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को साथ में दबाना है। तो जब तक दबाए हुए रखो तब तक स्क्रीन ना आ जाए और वाइब्रेट ना हो जाए। तो आपको जो है कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ये जो है ना, वॉल्यूम डाउन नहीं, वॉल्यूम अपने वॉल्यूम डाउन बटन दबाना है। तो ये एरो नीचे देख रहा, लेकिन आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट नंबर पे लाके अप बटन नहीं दबाना है, फर्स्ट नंबर पे लाके आपको इसको अप बटन दबाना है। तो ये हो गया पावर ऑन, ठीक है, अभी ऑन नहीं हुआ गाइस, अभी ये फैक्ट्री मोड में घुसा है। तो कुछ ऐसा कुछ बताएगा फैक्ट्री मोड में घुसने के बाद। इसके बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा वाइप डाटा, 1 2 3 4 5वें नंबर पे वॉल्यूम डाउन से जाना है और पावर बटन को दबाना है। दबाने के बाद यस से ना यहाँ जाना है और इस यस को दबाना है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो कोई भी गलती नहीं करूँगा मैं। अब ये हो चुका है, इसके बाद आपको जो है एक बार फिर से रिबूट कर देना है। तो ये रिबूट हो जाएगा, तो फॉरवर्ड से रिबूट होने दो उसको। और गाइस, जिसे की भी फ़ोन के एफ आर पी लॉक लगे वो ये कर सकता है, भले कोई भी फ़ोन के, जरूरी नहीं ये कोमे का ही फ़ोन है, किसी भी फ़ोन पे कर सकता है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम ऐसी वीडियो रिलेटिव बहुत सारी लाती रहते हैं। तो गाइस, स्टार्ट होने में अगर थोड़ा सा टाइम ले तो घबराने की बात नहीं है, वो अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, मेरा खुद का जो ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लिया है, तो टेंशन की बात नहीं है। इसको एग्री पे टैप करना है, इसको यस पे टैप करना है, गेट स्टार्ट पे टैप करना है, और सिम भी अभी आपको डालनी नहीं है, ठीक है, स्काइप पे टैप करना है। हाथ में पकड़ लेता हूँ और फ्रेश, हमको फ्रेश पी। अब इसको कनेक्ट करना होगा आपको यहाँ पे सबसे पहले वाईफाई से, तो आपको हॉटस्पॉट ऑन रखना होगा अपने मोबाइल का। तो यहाँ पे मेरा हॉटस्पॉट ऑन है, तो मैं फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। कनेक्ट होने के बाद अभी आपको अपना आप आगे लेके चला जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके बाद आपको कुछ ही नहीं करना है, इसका वेट करना है बस, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट भी एक बार देख लेगा। सबसे पहले अगर इस कंप्लीट स्टेप करने के बाद आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक कर ही रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना गाइस, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। और अब यहाँ पे हमको तो पुरानी ईमेल आईडी याद ही नहीं है, तो सबसे पहले सबसे पूरा बैक आ जाना है, पूरा पूरा पूरा। इसके बाद आपको यहाँ पे विजन सेटिंग दिख रहा होगा, इस पर जाना है। इस पर जाकर आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में टॉक बैक का ऑप्शन होगा, ये टॉक बैक का, इसे जाके ऑन कर देना है, ठीक है। ऐसा ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे ओके दबाना है, तो ये हो चुका है ऑन। चुप होगा क्या, हाँ ठीक है। तो अब इसको एल बनाना है ऐसे मोबाइल पे, ये आया। अब टॉकबैक सेटिंग नाम का ऑप्शन होगा, इस पर जाना है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको क्या करना है ना, वॉल्यूम डाउन और आप दोनों को साथ में दबाना है। साथ में दबाओगे तो टॉकबैक जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। अब गाइस ये सस्पेंड हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पे फीडबैक और हेल्प का ऑप्शन होगा, इस पर दबाना है। जैसे आप इस पर दबाओगे, सबसे पहले मैं यूट्यूब का दिखा दो, अपडेट नहीं है तो पहले ऑप्शन पर दबा दो। अगर आपका यूट्यूब अपडेट हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो छोड़ो। तब आपको जो है सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे पहले लिखना होगा
ये देखिए सेटिंग में गए, अभी आपको लिखना है असेसिबिलिटी। क्या लिखना है? असेसिबिलिटी। तो यह आया यूज़ द असेसिबिलिटी मेन्यू, इस पर आपको टैप करना है। अब जैसे ही आप इस पर टैप करोगे, सबसे पहले आपको जो है ये पहले वाली वेबसाइट पर टैप कर देना है। तो आपको जो है यहाँ पर टैप करना होगा ये पहली वेबसाइट पे। इस पर टैप करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर टैप करने के बाद आपको थोड़ा स्लाइड बन करना है, स्लाइड 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 और स्लाइड, और ये अपना नॉट इनफ स्पेस लिखा होगा ना अवेलेबल, इस पर आपको जस्ट टैप करके अदर एंड्रॉइड डिवाइस पे टैप करना है। अदर एंड्रॉइड डिवाइस पे जैसे ही आप टैप करोगे तो स्लाइड आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है, और ये थर्ड नंबर ऑप्शन है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको इस पर टैप करने के बाद आपको क्या करना है ना कि फर्स्ट नहीं सेकेंड लर्न हाउ टू अनइंस्टॉल एप्स, इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपको यहाँ पे फर्स्ट पे ही टैप टू गो एप्लीकेशन सेटिंग, और यहाँ पे क्रोम सेलेक्ट कर देना है, क्रोम या कुछ भी, इसको गेट स्टार्ट करना है। साइन इन करना ही नहीं है, भूल के भी गए, साइन इन का फिर लफड़ा रहता है, और नो थैंक्स कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर जाके यहाँ पे कुछ सर्च करना होगा आपको, इधर आपको लिखना होगा ओपन, तो इधर आपको लिखना होगा ओपन हिडन सेटिंग एपीके। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे गो कर देना है। तो इतना लिखने के बाद आपको तो है ये एपीके प्योर नहीं है, दूसरी वाली जो साइड है एपीके मॉन्क वाली, ये इसको खोलना होगा। इसको जैसे आप खोलोगे, ये जो है ओपन हिडन सेटिंग ये वाली ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी। आप चाहो तो कोई भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड से इसको डाउनलोड एपीके पर टैप कर लेना है। तो गाइस ये डाउनलोड हो चुकी है, इसके बाद आपको थ्री डंडी में जाके डाउनलोड्स पे जाना है, और ये ओपन हिडन सेटिंग लिखा हुआ आएगा, इसको आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देना होगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, सबसे पहले आप देख लो इसको इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं। इंस्टॉल दो मिनट में हो जाएगा, इसको सीधा आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको गाइस ऐप्स पे जाना होगा। ऐप्स पे जाने के बाद वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है गाइस, ऐप्स पे जाने के बाद आपको जो है ऑल ऐप्स सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर स्लाइड अप करना है, और गूगल प्ले सर्विस को ढूंढना है। तो ये रहा, इसको ढूंढने के बाद ये देख लो गाइस, ये सभी को याद रहता है, इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है ना, इसको डिसेबल कर देते हैं। तो ये हो गया डिसेबल। आपको जो बैक आना है, बैक आना है, और सीधा आपको जाना है सिक्योरिटी में। जैसे आप सॉरी अकाउंट्स में नहीं, सिक्योरिटी में जाओगे, सिक्योरिटी में आने के बाद आपको जो है डिवाइस एडमिट्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस का होगा, मैं नहीं बता रहा है, आपके होगा, आपको उसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है अकाउंट्स में, अकाउंट्स में जाने के बाद ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट में जाने के बाद आपको जो गूगल पे जाना है, गूगल आपके होगा, मैंने जो है कर रखा है, तो मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। तो ये कुछ गूगल पे जाओगे तो ऐसा बताएगा, लेकिन गाइस पिछली बार की तरह आपको बैक नहीं जाना है, अब की बार आपको नई भी बना सकते हो आप आईडी, मैं बना के दिखाऊंगा। तो गाइस मैंने बना ली है, अब यहाँ पे आपको नाम भी डाल सकते हो आप, तो मैं कुछ भी नहीं रखूँगा नाम। इसके बाद जो है आप अपने फ़ोन को रीबूट करो, तो मैं रीबूट कर देता हूँ। रीबूट करने के बाद वापस आपको यहीं पर सेटअप प्रेस पर जाना है, और अब की बार जो है आपको आईडी डालने की जरूरत नहीं है, अपना आप जो है खुल जाएगा लॉक, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ अभी दिखा रहा हूँ। तो मुझे फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो चुकी है। तो देख लीजिए गाइस अपना आप ही ये हो गया, और यहाँ पे नाम डालने को बोल रहा है, जैसे कि मैंने बताया था फिंगरप्रिंट नहीं डालेंगे स्काइप एनी वे। उसके बाद सेटअप लेटर देखते हैं यार, सेटअप फ़ोन सिम कार्ड विम कार्ड हमको लगाना नहीं है। वापस सेम कैसे आया, तो जैसे ही आप लोग करोगे ये लॉक टूट चुका है गाइस, देख लो। जैसे ही आप लोग वो खोलोगे ना, ये टॉकबैक ऑफ कर देना है आपको,